दशक से ज्यादा समय से ऊषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम हमारे देश के सबसे दूर दराज के इलाकों तक भी पहुंचकर अपना प्रभाव डाल रहा है। दरअसल ये मिशन अपने आप में ही बहुत खास है। ये सुनिश्चित करना कि भारत के हर कोने को जीवन बदल देने वाले कार्य से छुआ जाए, महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जाए और उन्हें आखिरकार वो मान्यता दी जाए जिसकी वे सच में हकदार हैं। हमारा लक्ष्य देश के सुदूर कोनों में सिलाई स्कूल खोलना है जिसमें भारत की समृद्ध टेपेस्ट्री कला की सुंदरता और सिलाई स्कूल प्रोग्राम शामिल हो। आज हम शिल्पी दास से मिलते हैं जो त्रिपुरा के शहर बेलोनिया से आती हैं। बेलोनिया राहगीरों के लिए एक मशगूल जगह है। ये भारत और बांग्लादेश के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी चेक पॉइंट की तरह काम करता है। ये जीता जागता शहर दोनों देशों के लोगों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक सुंदर रूप दिखाता है जो एकता और समझ की भावना को बढ़ावा देता है। इस शहर के बिल्कुल बीचों बीच शिल्पी दास रहती हैं। शिल्पी, उनके पति और दो बच्चों के लिए जीवन बहुत मुश्किल था, लेकिन साल 2016 में ऊषा प्रोग्राम्स में शामिल होने से उन्हें समाज में एक नई पहचान मिली और उनकी आर्थिक हालत में भी सुधार होने लगा। पहले बहुत दिक्कत होती थी, यहाँ तक कि खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। अगर ऊषा मेरी मदद नहीं करती तो मैं गरीबी में ही रह जाती और वो सारी समस्याएं सहती जो कि मैंने पहले सही थी। लेकिन ऊषा की वजह से आज मैं घर बैठकर एक अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। मैं ऊषा का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैं ऊषा से सीखने गई जिससे मेरी इनकम हो जाए और मेरे घर के हालात भी अच्छे हो जाए और मेरे बच्चों को पढ़ाई या किसी भी चीज में कोई दिक्कत ना हो। अगर मैंने ऊषा से सिलाई नहीं सीखी होती तो मैं आज यहाँ आपके सामने नहीं बैठी होती। ऊषा की ही वजह से आज आपके और मेरे दरमियान जो फासला है ये और कम हो गया है। मैं एक हाउसवाइफ ही रह जाती और यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। ऊषा ने जो मेरे लिए किया है उसकी वजह से आज मैं यहाँ पहुँची हूँ और मैं काफी गर्व महसूस कर रही हूँ। मेरे स्टूडेंट्स मुझे सिलाई मैम बोलते हैं और वो ये भी जानते हैं कि मैं वो वाली सिलाई मैडम हूँ जो ऊषा सिलाई के साथ काम करती है। आर्थिक परेशानियों को छोड़ दें तो देश के दूर दराज के इलाकों में काम करना चुनौतियों भरा है। अक्सर ही कच्चे माल की उपलब्धता को लेकर मुश्किलें सामने आती हैं और अगर मशीनें खराब हो जाएं तो उन्हें मरम्मत के लिए शहर ले जाना पड़ता है। ऊषा सिलाई स्कूलों से जो समर्थन और सहायता इन महिलाओं को मिली है वो इन्हें कई चुनौतियों से निपटने में मदद करता है जिससे उन्हें अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करने का अवसर मिलता है। हमने सीमावर्ती क्षेत्रों में भी स्कूल खोले हैं। सीमावर्ती इलाकों में काफी दिक्कतें होती हैं। उन्हें कच्चा माल, प्रशिक्षण सुविधाएं नहीं मिलती और उचित प्रशिक्षण प्राप्त करना यहाँ के लिए एक कठिन बात है। उन सभी चीजों को पाने के लिए लोगों को अलग अलग जगहों पर पलायन करना पड़ता है। इसलिए हमने यहाँ एक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया जहाँ लोगों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिला जिससे उन्हें अपने घर से ही अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद मिली। भारत के दूरदराज की जगहों में फैले ऊषा सिलाई केंद्र आर्थिक रूप से महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं। इस सिलाई कार्यक्रम की सबसे खास बात ये है कि महिलाएं सकारात्मक बदलाव का प्रभाव फैलाते हुए अपनी जैसी दूसरी महिलाओं को प्रशिक्षित करती हैं। ये बदलाव ऊषा और इन महिलाओं
दोनों के समर्पण और इच्छा शक्ति का सबूत है। Earlier, before starting this training, we have seen most of the ladies, they don't have their own identity. They are known as someone's wife, someone's mother. इस ट्रेनिंग के शुरू होने से पहले हमने ज्यादातर महिलाओं को देखा है। उनकी अपनी कोई पहचान नहीं होती। वे किसी की पत्नी, किसी की माँ या बहन या बेटी के रूप में जानी जाती हैं। इसलिए उन्हें कोई पहचान नहीं मिलती। लेकिन अपना कोर्स पूरा करने के बाद एक शिक्षक के रूप में नई पहचान पाकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। So Usha mainly focused to develop the community. We wanted to actually go to the bottom of the pyramid to create affection for the brand. With हम वास्तव में पिरामिड की तह तक जाना चाहते थे। हमारी मशीन के साथ ब्रांड के प्रति स्नेह पैदा करना चाहते थे जो हमारे पास पहले से ही थी। ये एक बहुत ही रोमांटिक व्यवसाय है, इसलिए हमने सबसे छोटे गांवों में जाकर शुरुआत की। और क्योंकि उषा पैन इंडिया है, इसलिए हमने फैसला किया कि सिलाई स्कूल भी पैन इंडिया होना चाहिए, कुछ खास इलाकों में नहीं। और ये विचार CSR का नहीं था, विचार जागरूक पूंजीवाद का था। और हमारे द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद से महिलाओं के लिए आजीविका की संभावना पैदा करके ब्रांड के प्रति स्नेह पैदा करना भी था। सबसे पहले हम विकास करना जारी रखेंगे, क्योंकि हमने भारत के कुछ प्रतिशत गांवों को प्रभावित नहीं किया है, इसलिए विकास की संभावनाएं हैं। लेकिन अब हम चाहते हैं कि लोग रचनात्मकता की ओर बढ़ें। उदाहरण के लिए हमने एक ऐप शुरू किया है और उसमें हमने कपड़े बनाने के तरीकों पर बहुत सारे सिलाई वीडियो भेजना शुरू कर दिए हैं। तो ये सिर्फ सिलाई का काम नहीं बल्कि वास्तव में फैशन है। बाधाओं को मात देकर और ऐसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में संचालन करके उषा सिलाई स्कूलों ने सफलता और दृढ़ता की भावना का उदाहरण दिया है। ये प्रदर्शित करते हुए कि सही अवसर और समर्थन के साथ महिलाएं अपने जीवन और समुदायों को बदल सकती हैं, चाहे उन्हें कितनी भी बाधाओं का सामना क्यों न करना पड़े। भारत के एक सुदूर भाग से दूसरे हिस्से तक लद्दाख अपनी विशालता, खूबसूरत लैंडस्केप्स और प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। भारत के सबसे कम आबादी वाले क्षेत्रों में यहाँ के कुछ सबसे दूरस्थ गांव भी शामिल हैं। उषा सिलाई स्कूल बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरे लद्दाख के मन मोह लेने वाले दृश्यों के बीच बना हुआ है। ये केंद्र लद्दाख के कारगिल और द्रास में आंगनवाड़ी केंद्रों की महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण प्रदान करता है। लद्दाख जो कि एक खूबसूरत अंचल है और लेह एक शहर। मंसूरा बानो कारगिल की रहने वाली हैं। जब उन्हें उषा के सिलाई प्रशिक्षण के बारे में पता चला तो उन्होंने अवसर का लाभ उठाने का फैसला किया। उन्होंने लद्दाख जाने का मन बनाया और वहाँ पहुँच कर 7 दिनों के प्रशिक्षण के लिए अपना नामांकन कराया। सर घर पे थोड़ा सिलाई कर देती थी, कपड़ों के में अगर छोटा मोटा उसमें स्टिच खुल जाते थे तो वो बना लेती थी सर। और ये पिलो कवर्स वगैरह और जो बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह फिटिंग करना होते तो वो करती थी सर, वो भी वो हैंड वाले मशीन से। ये स्टैंड वाले मशीन तो फर्स्ट टाइम है सर, पहले तो ये हमारा स्टैंड का फर्स्ट टाइम है। तो फर्स्ट ड्रेस पे मशीन का सेटअप करना था सर, तो ये सर के बताने के हिसाब से पहले सर बताते थे, फिर उसी हिसाब से हम सब ने अपना अपना ये स्टैंड एडजस्ट किया है सर। फिर सर ने मशीन के पार्ट्स के बारे में बताया, मशीन के कौन सा पार्ट्स का क्या काम क्या रोल होता है, फिर इन पार्ट में अगर कोई बाद में ख़राबी आ जाए तो उनको कैसे ठीक करना है। जैसे कि स्टिचेस वगैरह में बाद में प्रॉब्लम होते हैं ना सर, कभी स्टिचेस नहीं लगते, कभी ये शटल सीज हो जाते हैं, तो कभी ये व्हील जो हैंड व्हील है ना सर ये रुक जाते हैं, तो इसको कैसे ठीक करना है उसके बारे में बताया सर। फर्स्ट 2 डेज तो इसी का ट्रेनिंग था मशीन के सेटअप्स का। फिर नेक्स्ट डे हमारा कुर्ते का मेजरमेंट किया सर, सर ने मेजरमेंट के हिसाब से एक पैटर्न बनाया पहले, फिर उसी पैटर्न के हिसाब से हम सब ने अपना अपना कुर्ता कटिंग कर किया सर। इन सभी सीखों की वजह से अब मंसूरा अच्छी स्थिति में है। प्रशिक्षण के साथ उषा, लद्दाख स्किल डेवलपमेंट मिशन और सोशल एंड ट्राइब वेलफेयर डिपार्टमेंट ने उसे स्थिर आय अर्जित करने का साधन प्रदान किया और साथ ही आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी दिया। कि आजकल तो महंगाई का दौर है,
एक ही इंसान से, फिर बच्चों की पढ़ाई में भी काफ़ी फीस का खर्चा होता है सर, बच्चों को बुक्स वगैरह भी, दूसरा तो यहाँ कोई भी चीज़ सस्ते में तो नहीं मिलती सर, इतनी दूर से जब आते हैं तो थोड़ा बहुत इशू होता है सर, फिर एडजस्ट कर लेती हूँ, अब तो ये भी थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा सर। हम तो बहुत थैंकफुल है सर मैम की वजह से, तो आज हमें ये इतना बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ मिला है यहाँ पे आने के लिए। लद्दाख स्किल डेवलपमेंट मिशन और लद्दाख में सोशल एंड ट्राइब वेलफेयर डिपार्टमेंट प्रशासन के कौशल विकास कार्यक्रमों को आकार देने और मार्गदर्शन करने के लिए उषा इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उनका लक्ष्य इन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से समन्वित और कार्यान्वित करने के लिए लद्दाख में विभिन्न विभागों को एक साथ लाना है। तो आइडिया था कि जब एस स्किल डेवलपमेंट मिशन हमारा रोल है कि स्किल बढ़ाना लोगों का, ताकि वो और अल्टरनेटिव लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ पाएँ, तो मुझे लगा व्हाई नॉट आंगनवाड़ी वर्कर्स। नई बनी माताएं अपने शिशुओं को ऊषा सिलाई केंद्रों में लाती हैं, जो उन्हें एक नया हुनर हासिल करने का एक सुनहरा मौका देता है, जो उनकी आय बढ़ा सकता है। इसके अलावा कई महिलाएं सिलाई सीखने की इच्छा रखती हैं, जो पहले आंगनवाड़ियों में नहीं जाती थी, अब वे वहां जाया करेंगी। उन्हें इन केंद्रों में टीकाकरण और बच्चों से जुड़ी जानकारियों के साथ जरूरी सलाहें भी दी जाएंगी। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्वयं सिलाई सिखाकर, काम के ऑर्डर लेकर और सिलाई मशीनों की मरम्मत करके अतिरिक्त आय स्रोत के लाभ प्राप्त करेंगी। उषा सिलाई स्कूल के इस सफल मॉडल को बाकी दूसरे राज्य अपने ICDS केंद्रों को मजबूत करने के लिए दोहरा सकते हैं। तो हम लोग स्किल डेवलपमेंट में काफ़ी कुछ हम कर रहे हैं कॉलेज के बच्चों के लिए, स्कूल ड्रॉपआउट्स, कॉलेज ड्रॉपआउट्स के लिए। तो साथ में मुझे लगा आंगनवाड़ी सेंटर्स कैन बी अ हब इन विलेज। हर गांव में एक आंगनवाड़ी सेंटर होता है, तो एक आंगनवाड़ी सेंटर को एक हम हब ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट भी बना सकते हैं, और उसमें अगर कोई स्टीयरिंग पर्सन चाहिए तो आंगनवाड़ी वर्कर हो सकती है। लद्दाख स्किल डेवलपमेंट मिशन और सोशल एंड ट्राइब वेलफेयर डिपार्टमेंट 13 ICDS केंद्रों में उषा सिलाई स्कूल खोलने की योजना बना रहे हैं, जो इंटीग्रेटेड बाल विकास सेवाएं या आंगनवाड़ी केंद्र हैं। इन स्कूलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को केंद्र में आने वाली अन्य महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इस परियोजना को शुरू में एक पायलट प्रोग्राम के रूप में लागू किया जाएगा, और अगर ये सफल रहा तो इसे लद्दाख स्किल डेवलपमेंट मिशन और सामाजिक और सोशल एंड ट्राइब वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में विस्तारित किया जाएगा। आइडिया है कि आंगनवाड़ी वर्कर सीखे, फिर आंगनवाड़ी हब में अपना सेंटर स्टार्ट करे, और जिस सिलाई सेंटर में एक तो खुद अपनी गांव का जो रिक्वायरमेंट है, छोटे मोटे रिक्वायरमेंट है, उसको मीट करें, और एज ए उषा सिलाई सेंटर भी खोलें कि गांव की बाकी महिलाओं को भी ट्रेन कर पाए। उषा सिलाई कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य देश के दूर दराज के कोनों तक पहुंचना है। हमारा मानना है कि इन क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के पास अवसरों की भारी कमी है, और इसीलिए तत्काल एक हस्तक्षेप की जरूरत है, जैसा कि उषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम। इस प्रयास में हमने कार्यक्रम की पहुंच को देश की राष्ट्रीय सीमाओं और यहाँ तक की बहुत कठिन क्षेत्रों तक भी बढ़ाया है, जहाँ तक पहुँचना भौतिक बाधाएं उनकी सुदूरता के कारण या उन क्षेत्रों में संघर्ष के कारण कठिन हो सकता है। हर साल हम ऐसे कई क्षेत्रों में और अधिक विस्तार करने की चुनौती देते हैं। उषा सिलाई स्कूल और लद्दाख स्किल डेवलपमेंट मिशन के बीच साझेदारी लद्दाख की महिलाओं को अपना रास्ता बनाने के लिए जरूरी हुनर और संसाधन उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक ऐसा रास्ता जो पूरी तरह से अनिवार्य रूप से समुदाय को विकास की ओर ले जाएगा। ब्रेक के बाद भारत के उत्तर में लद्दाख के सबसे ऊंचे और विशाल रेगिस्तान से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे दक्षिणी सिरे इंदिरा पॉइंट तक उषा की बेमिसाल पहुंच देश के हर कोने में महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद कर रही है।
भारत एक ऐसा देश है जहाँ की सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ एक जैसी नहीं रहती। ये असमानताएं शिक्षा और परिस्थिति या सामाजिक कारणों या फिर भूगोल और लिंग के कारण हो सकती है। यही कारण है कि ऊषा सिलाई स्कूल जैसी पहल दूर दराज के इलाकों में महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैंपबेल खाड़ी में ऊषा सिलाई स्कूल का ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर इस बात का एक बेमिसाल उदाहरण है कि स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप कैसे महिलाओं के जीवन को बदल सकती है, उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करती है और उनके समुदायों को आगे बढ़ने के साधन प्रदान करती है। परिवर्तन की प्रेरणा के रूप में सिलाई के हुनर को पहचानते हुए ऊषा इंटरनेशनल ने स्थानीय भागीदारों के सहयोग से कैंपबेल खाड़ी में ऊषा सिलाई स्कूल के ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर की स्थापना की। वर्ष 2012 में हमने अंडमान और निकोबार क्षेत्र में अपना ऊषा सिलाई स्कूल शुरू किया। पिछले दो वर्षों में हमने कमोर्दा और टेरेसा में स्कूल खोलकर निकोबार क्षेत्र में अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया है। पहली बार ऊषा ने 15 क्लासिकल सिलाई स्कूल लॉन्च किए हैं और हमने यहाँ विभिन्न गाँव से 15 महिलाओं का चयन किया है और ये गरीब महिलाएं हैं और उनमें से एक आदिवासी महिला है जो ऊषा सिलाई स्कूल शुरू करके उद्यमी बनना चाहती है। इंदिरा पॉइंट भारत के सबसे दक्षिणी पॉइंट के रूप में जाना जाता है। कैंपबेल बे में 3 पंचायतें शामिल हैं, कैंपबेल बे पंचायत, गोविंद नगर पंचायत और लक्ष्मी नगर पंचायत। शास्त्री नगर यहाँ का सबसे आखिरी गांव है। इस प्रशिक्षण में शास्त्री नगर से कुछ उद्यमी आ रहे हैं। ये ऊषा सिलाई स्कूल का नया केंद्र है और यहाँ कई हिस्सों में मशीनें आ चुकी हैं। इस 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीख का पहला पाठ ये होगा कि सिलाई मशीन को कैसे असेंबल किया जाए। हालांकि पहला कदम वास्तव में प्रशिक्षुओं का चुनाव करना था। सर, मैं दो महीना पहले जो है यहाँ पर आई कैंपबेल बे में, आकर जो है मैं हर घर पर जाकर सर्वे करी, जिससे मतलब वहाँ के लोगों के बारे में जानकारी ली। वहाँ मैं जाके प्रधान से मिली, प्रधान से मिलकर उनके गांव के बारे में जानकारी ली और वहाँ मैं जो है अधिकतर जो है सिंगल मदर और विडोज और पुअर फैमिली से जो है मैंने मुलाकात करी और उनके लाइवलीहुड कैसा चलता है ये मैंने पता करी। 15 गांव है, 15 गांव से 15 लेडीज़ को लिए ताकि जो है इनका इनकम जनरेट करने में जो कंपटीशन की भावना जो है ना आए और मोहब्बत के साथ ही काम चले। अगर यहाँ की बात करें तो अंडमान निकोबार आइलैंड में और उसमें से भी विशेष रूप से कैंपबेल बे की अगर बात करें तो यहाँ पे सुविधा जो है ट्रेनिंग की फैसिलिटी की बात हो या रॉ मटेरियल की बात हो काफ़ी दिक्कत होती है। तो जैसा कि अभी सिलाई मशीन हमारा जो ऊषा कंपनी की तरफ से दिया गया है वो फाउंडेशन की तरफ से, जिसमें कि हमारा ग्राम पंचायत के प्रधान ने भी सपोर्ट किया है और उन्होंने गांव की महिलाओं को जो भी गांव में हर विलेज से जुड़े हुए जो महिलाएँ हैं उनको जो है ट्रेन करने का जो प्रयास किया है ये बहुत ही काबिले तारीफ है। दूर दराज के इलाकों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ऊषा सिलाई स्कूल का दृष्टिकोण सिर्फ स्किल डेवलपमेंट तक सीमित नहीं है। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को एक सस्टेनेबल मॉडल के साथ जोड़ता है जो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देता है। ऊषा सिलाई स्कूल के प्रोग्राम के पूरे होने के बाद महिलाएं कुशल कारीगर बन सकती हैं और अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए सशक्त और स्वतंत्र हो जाती हैं। ये न केवल महिलाओं को आय प्रदान करता है बल्कि पूरे समुदाय की आर्थिक वृद्धि में भी योगदान देता है। जैसे कि मैं सीखूँ मतलब यहाँ से जितना भी मुझे सीखने मिलेगा उस सीख के मैं आगे जाके फ्यूचर में जैसा कोई भी मुझसे कोचिंग लेना चाहता है मैं सबसे पहले तो अपना जो बोर्ड यहाँ से जो भी कुछ मिलेगा मैं बोर्ड रहेगा साइन बोर्ड जो रहेगा वो लगाऊंगी सबसे पहले और लगा के जो भी मुझसे इसके बारे में पूछने आएगा मैं उनको बताऊंगी कि हाँ मैंने ऐसे सीखा है मैंने सीखा मुझे एक सर्टिफिकेट भी मिला है जिसके थ्रू से मैं अभी अपना एक कोचिंग शुरुआत कर सकती हूँ। उसके बाद फिर अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है मैं उनको एडमिशन प्रोसेस करूँगी उनको बताऊँगी कि मैं फर्स्ट एडमिशन फीस जैसे 300 लूँगी उसके बाद में उनका मंथली हिसाब से उनका फीस रहेगा। कैंपबेल खाड़ी में ऊषा सिलाई स्कूल का ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर आत्मनिर्भरता की दिशा में एक पहला लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। अपने हासिल किए सिलाई के नए हुनर को आगे व्यवसायों में बदलकर ये महिलाएं न सिर्फ आर्थिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ पाएंगी बल्कि अपने परिवार की आय में योगदान करने में भी सक्षम होंगी।
ऊषा सिलाई स्कूल आर्थिक सशक्तिकरण को ही नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों में सामाजिक परिवर्तन को भी बढ़ावा देता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाएं अपने समुदायों में रोल मॉडल बन जाती हैं और दूसरी महिलाओं को खुद में नए हुनर का विकास करने और महिलाओं की क्षमताओं को सीमित करने वाले सामाजिक मापदंडों को तोड़ने के लिए प्रेरित करती हैं।